देखो दोस्तों, अपनी चौरानवे तिरानवे आ गई है। ये सूरत से भर के आ रही। छियासी अस्सी भी आ रही थी, ये दो इकट्ठे थे। ये सूरत से आया है और छियासी अस्सी अपनी वापिस से आई है। दोनों गाड़ी साथ साथ में आ गई थी ये, लेकिन इनको पूछते हैं वो कहाँ रह गई है। वो फूफा जी और छोटे भाई गए थे उसको लेके, और इसको लेके अखिलेश भाई, और इनके साथ में एक डिगम भाई थे, वो गए थे, अपने गांव के ही ड्राइवर थे। मैं छुट्टी भी था ना, इसीलिए अजय भाई को वो वाली गाड़ी पे करना पड़ा था। लगा रहे अभी साइड में। दो भाई जो थे वो बोल रहे थे कमेंट करके कि विक्की भाई आपके दूसरी वाली गाड़ी भी बताओ ऐसा करके। तो ये है अपनी दूसरी वाली गाड़ी भाई, चौरानवे तिरानवे, ये वाली है अपनी गाड़ी। वैसे तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन बहुत समय हो गया इसको दिखाए हुए, क्योंकि मैं छियासी अस्सी चलाता हूँ ना, इसीलिए ये है अपनी रानी चौरानवे। और अखिलेश भैया क्या हाल है? बस बढ़िया है भाई, ठीक है ना। छियासी कहाँ है अपने? छियासी आ रही है वो अजय भाई को उतार के निवाली से। दोनों साथ में आए ना? हाँ साथ में आए। उपा जी आ रहे भाई पीछे, अजय भाई घर पे रुके है ना, इसीलिए तो वो भी पीछे आ रही है। दोनों साथ साथ में आए थे। तो ये रही अपनी रानी, गंदी हो रखी भाई, क्योंकि अभी बारिश के दिन है ना, इसीलिए ये देख सकते हो। और ये रहे अपने बकरे, एक दो तीन चार है, और एक नानू भाई की है, छोटे वाले भाई की बकरी है वो वाली उधर, और इनके चार बच्चे हैं समझ लो। एक उसके डबल है उधर वाली के, और इसके सिंगल है, और एक वो उधर वाइट वाली है ना उसका एक सिंगल है। ऐसा करके चार बच्चे हैं इनके, चार बच्चे वो और चार ये आठ बकरे हैं भाई अपने। इन्हीं के लिए कल है ना मैं ससुराल गया था चारा लेने के लिए, तो ले आया हूँ। और ये फूफा जी की काली है, इसको तो मैंने बताया था। और काली काली, ये फूफा जी की काली है। अभी फूफा जी आएगा ना तो चिल्लाएगी, फूफा जी को आ करके चिल्लाती है। और ये फूफा जी की काली की बेटी है छोटी वाली, ये छोटा नुन्नू था अभी बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया हमारा नुन्नू अभी। ये रे नानू भाई, नानू भाई वो वाली गाड़ी चलाते हैं बबलू भाई की, और इनकी बकरी है वो उधर वाली, वो जो उधर है ना मैं वो वाली, ये वाली। इसमें एक काम और आ गया है भाई, ब्रेक पेडल में से है ना प्रेशर आ रहा है हल्का हल्का सा, सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये इसमें से, ये मशीन में से आ रहा है, काम कराना पड़ेगा इसका, लीकेज हो गया भाई। पहले भी एक दो चक्कर काम कराया था, दो बार काम करा दिया, इसका किट डलवा दिया। अब ढंग से अच्छी तरह से इसका किट है ना डलवाना पड़ेगा तो काम होगा। और इसमें आगे के टायर तो नए हैं, मैंने डाल दिए थे, लेकिन पीछे के टायर है ना इसमें भी कमज़ोर है भाई। एक ये टायर लिया था मैंने पुराना वाला, और ये अंदर वाला रिमोन है, अंदर रिमोन है, और ये नया है समझ लो। तो ये भी सेकंड हैंड लिया था मैंने, इधर तो ठीक ही है, पर अब क्या कर सकते हैं, रिमोन है, धीरे धीरे चला रहे। स्टेपनी भी थोड़ी कमज़ोर है इसकी, वो देख सकते हो। बाकी उधर के टायर जो है, आगे के टायर है ना मैंने पीछे डाल दिए थे, और पीछे वो क्या बोलते हैं आगे नए डाल दिए थे, ये वाले कीचड़ कीचड़ हो गया पूरा। कौन सा टायर पंचर हो गया था? ड्राइवर साइड का अंदर वाला, अंदर वाला, अंदर वाला टायर ड्राइवर साइड का हो गया था, रिमोन वाला। ये हमारी जिमी भी आ गई है, अखिलेश भाई की जिमी। जिमी टायर आ गए उसमें, वो टायर वजन पे ऐसा चलने दो। अभी क्या करें यार, अभी हालत खराब चल रही, नया टायर डाल नहीं सकते, जैसे तैसे धकाओ जब तक चले तब तक, है ना जिमी। ये हमारी जिमी है लाल नाक वाली, ऊपर देख इधर, जिमी देख इधर, नाक दिखा दे रहा तो नाक दिखा दे रहा लाल, ये लाल नाक वाली जिमी हमारी। अपने छियासी भी आ गए, फूफा जी भी आ गए। एसी लगा लो यहाँ पे, बस रहने दो। छियासी भी आ गए अपनी रानी फूफा जी। और फूफा जी क्या हाल है, ठीक है ना? फूफा जी भी आ गए छियासी लेके, दोनों गाड़ी आ गई भाई अपनी, ये वापिस से आई है। अभी टायर हमने चेंज ही नहीं किया है, वो स्टेपनी का टायर ही लगा के रखा है इस साइड में।
वो लिया था ना पुराना वाला, वो लटका है स्टेपनी में, पैक करके ले आए पीछे से भी। दोस्तों मेरे को सेंधवा जाना है, गाड़ी के कलाम भी खिंचवाना था, बाकी है ना अपनी गाड़ी है ना एक तरफ दम ज़्यादा हो गया एक तरफ कम हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी है ना पूरी ड्राइवर साइड झुक के चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई इसको वापस लिए चलते, उनको दिखाएंगे कमाने वाले को जो है कि मैं इसमें दम दिलाया था अभी पिछले वाले चक्कर में। देख सकते हो इधर कितनी ऊँची है और उस साइड कितनी नीची है, मैं आपको बताता हूँ चलते गाड़ी के पास ही है ना, मैं कंकड़ी से नाप के बताता हूँ आपको। ये देखो काड़ी से नाप रहा हूँ है ना, ये देख सकते हो है ना इतनी गैप है। अब उस साइड में चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, उस साइड में ज़्यादा झुकी हुई है। ये देखो दोस्तों कितना फ़र्क आ रहा है यहाँ तक, मतलब 3 इंची का फ़र्क आ रहा है। ये 3 इंची इस साइड में बैठी है गाड़ी और 3 इंची उस साइड में उठी हुई, तो पूरी गाड़ी है ना इस साइड में झुक के चल रही है। उनको बताएंगे, हो सकता है ये वाली कमानी वापस खोल के वो दम देंगे, या तो फिर क्या करते हैं देखते हैं। चलते हैं 86-80 को लिए चलते, फूफा जी से चाबी ला तो नहीं, बाकी गाड़ी खाली होने कल लेके जाएंगे इसको, रात में निकल जाएंगे हम यहाँ से। यही गाड़ी में भी इंदौर का माल है 94 में, और 86 में भी इंदौर का ही माल है, तो दोनों गाड़ी साथ साथ में रात में निकल चलेंगे ना। भैया और सत्यम भैया भी आ रहे मेरे साथ में सेंधवा, बोले आज सेंधवा का बाजार है पप्पा हम भी चलेंगे। स्कूल वगैरह कुछ अभी चालू नहीं हुई इनकी, कल से स्कूल चालू होगी तो इनको भी अभी सेंधवा लिए चलते। इनकी मम्मी भी आएगी क्या बाजार हाट करने, तो फिर साथ साथ में वापस से काम करा के आ जाएंगे ऐसा करके। चले भैया चलो चलते, निकल पड़े हैं दोस्तों। और मेरे साडू भाई आए थे ना, वो एक नाइट रुके मेरे यहाँ और वो भी जा रहे हैं, तो उनके पास बाइक है, उनको रास्ता मालूम नहीं है वापस का, क्योंकि वो फर्स्ट बार आए थे मेरे यहाँ पे, तो उनको रास्ता भी बता देंगे करके। वो बाइक लेके आगे आगे निकल के आ गए थे। और आज का मौसम चेक करो भाई, बाहर का मस्त वाला प्यारा प्यारा सा व्यू। कल इधर अच्छी बारिश हो गई थी, देखो इधर पानी पानी है, ये अच्छी बारिश हुई थी कल, अभी बोने लग गए बहुत से लोग। तो मेरे साडू भाई भी वो आगे आगे जा रहे हैं बाइक लेके, तो चलते हैं, उनको भी रास्ता बता देंगे भाई कि इधर से ऐसे ऐसे करके जाना है करके। वो आने में भूल गए बोल रहे थे रास्ता, क्या रास्ता बता देना यार मेरे को, बोले चलो ठीक है ऐसा करके। ये अगली बाइक वाले हैं, वो जा रहे हैं। आज जो है ना दोस्तों सेंधवा का बाजार है, और बाइक वाले तो रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई, रॉन्ग साइड से भी आएंगे सीधी साइड से भी आएंगे, बाइक वाले को धीरज जरा नहीं है। जाओ भाई जाओ, निकलो निकलो, टैक्स भाई तुमने भर रखा हम नहीं भरे, हम तो बिना टैक्स की गाड़ी चलाते हैं। क्या बोले यार फिर, देखो बाइक वाले ये ऑटो वाले कोई मानते ही नहीं ना, रुकते ही नहीं। अब बड़ी गाड़ी आ रही है, रुक जाता हूँ एक मिनट, नहीं मानेंगे बस। गाड़ी आई या गाड़ी वाले का बाप आई, घोसेंगे भाई इधर उधर, डालना मतलब डालना है गाड़ी, ऐसे में किसी को लग गई तो फिर जिसको लगी वो तो ठीक है, जो अड़ोस पड़ोस में खड़े होंगे ना वो गलती नहीं देखेंगे किसी की। बस ट्रक वाले को उतारो, ड्राइवर को खूब मारो, इतना मारो उसकी जान ले लो। ये देखो ये देखो ये, वाह वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया ड्राइविंग है देखो बाइक वालों की, अच्छी है। जब सामने से गाड़ी आ रही है, इस साइड से मेरी गाड़ी जा रही है, फिर भी बीच में से निकाल ले गया वो, हम बिरक नहीं मारे या सामने वाला जो बिरक नहीं मारे बड़ी गाड़ी वाला, वो भी तो लग जाए टायर के नीचे आ जाए मर जाए क्या यार। चलो भाई चलो, देखो ये इंडिया है, यहाँ के लोग कभी सुधरने वाले नहीं है, पढ़े लिखे होंगे ना वो भी नहीं सुधरने वाले भाई। अब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से भाई तो नियम को फॉलो करते हैं, एक दो मिनट वेट करके निकलते हैं, लेकिन ज़्यादा करके लोग है ना भाई रॉन्ग साइड से चलते हैं, उल्टी सिल्टी गाड़ी चलाते हैं ना, मैं उन भाइयों को कह रहा हूँ। चलो भाई मेरे साडू भाई को सेंधवा से कर दिया भाई, और मैं सेंधवा मैकेनिक नगर में आ गया हूँ, और जहाँ पे अपन ने काम कराया था ना कमानी का वहीं पे, तो अभी बस उनके वहाँ लगाते गाड़ी अपनी। ये जो टैंकर खड़ा है इसके आगे पिकअप खड़ी है, बस इसी के आगे वो उनकी दुकान है, पिकअप वाला हटाएगा तब काम होगा। ले भाई पिकअप।
से हटे उसके बाद में अपनी गाड़ी भी यहीं पे लगा लेते हैं दोस्तों, फिर खुलवाना पड़ेगा कमानी। ये देखो अभी बराबर जगह पे लगाया, फिर भी इधर कितनी सारी गैप है। ये उस साइड में देखते हैं एक बार फिर से बता देते हैं, आपको बताया था वैसे तो वहाँ पे घर पे। ये देखो इस साइड में कम गैप है ना, ये इसी साइड की कमानी को खोलना पड़ेगा। नीचे चल के बताता हूँ, देखो कौन सी कमानी कौन सी सीधी हो गई है। ये देखो इधर इधर की कमानी है ना अभी भी ऐसे वाकड़ी है ना थोड़ी सी, ये इधर की सीधी हो गई है पूरी। ये देखो ये देख सकते हो पूरी सीधी हो गई, तो इधर दम कम है। इसको खुलवाएंगे वापस और इसी में दम देंगे शायद वो। ये वाली तो बढ़िया है, और कलाम मलाम भी कसाना है अभी भरी हुई गाड़ी में, अच्छे से कलाम भी कसा जाएंगे। चलो वो पिकअप हटे उसके बाद में लगाते हैं भाई गाड़ी अपने उसी साइड में। इस साइड की कमानी में है ना दोस्तों पत्ते थोड़े कमजोर थे, तो एक पत्ता नीचे का निकाल रहे हैं, ये सबसे नीचे वाला देखो ये वाला निकाल देंगे तो कलाम पे भी आ जाएंगे इसके, और एक पत्ता बढ़ा रहे नया वाला। अभी एक नया पत्ता मोटा लेके आया हूँ मैं, दमम तो बराबर ही है लेकिन क्या है पत्ते नरम थे और पतले पत्ते थे इस साइड में, इसीलिए अब ये वाला एक पत्ता मोटा वाला लेके आए हैं, ये वाला डाल रहे हैं मोटा पत्ता। एक बढ़ा देंगे इसमें, पत्ते तो उतने ही रहेंगे सेम, लेकिन वो सबसे लास्ट वाला छोटा पत्ता है ना वो निकल जाएगा, तो हो जाएगी फिर लेवल गाड़ी। चलो दोस्तों कमाने का काम तो हो गया, एक वेल्डिंग का काम और बचा हुआ है अपना, जो है कि ये केविन के ऊपर की है ना कॉलर टूट गई है, तो कॉलर वेल्डिंग करवा लेंगे। देखो यहाँ से टूट गई है ये यहाँ से, और यहाँ से भी क्रेक हो रही है, हल्की हल्की से दिख रही होगी आपको, ये यहाँ से हो रही है हल्की सी क्रेक, इधर तो टूटी गई है ये देख सकते हो, और उस साइड की भी टूट गई है, तो इसको वेल्डिंग करवा लेते हैं आज टाइम मिला है तो, है ना। चलते हैं दिखाता इस साइड की भी। ये देखो दोस्तों इस साइड की भी टूट गई है पूरी कॉलर दोनों साइड की, ये देख सकते हो ये इस साइड की भी टूट गई है, तो इनको वेल्डिंग करवा लेते हैं। वो साइड में दुकान है वो दिख रही, उधर टायर रखे ना उसके पीछे, तो गाड़ी अपने लिए चलते उसी साइड में है ना, चलते हैं। भाई अपनी गाड़ी भी भाई अभी खोल रहा है केविन के बोल्ट, उसके बाद में वेल्डिंग का काम करेंगे। तुम वीडियो बनाते फिर यूट्यूब पे चैनल है अपना, हाँ क्या नाम है विक्की ट्रकिंग ब्लॉक, नाम तो सोहेल भाई, और गैरेज का नाम सुपर शो रिपेयर, सुपर शो रिपेयर सोहेल भाई का गैरेज। जितनी भी गाड़ियाँ छोटी गाड़ी फोर व्हीलर से लेके तो 16 टायर तक के सब गाड़ियों का डेंटिंग का काम करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग, डेंटिंग पेंटिंग नहीं डेंटिंग। अब ये बोल्ट खोलना अपने को, इस साइड वाले उस साइड का तो खोल दिए है, उसके बाद में केविन को हटाएंगे या फिर आगे पीछे करके कैसे भी करके उसको वेल्डिंग करना है। चलो दोस्तों सब काम हो गया, मरगाड़ भी टूटे हुए थे थोड़े बहुत, यहाँ से टूटा हुआ था ये पाइप टूट गया था, और नीचे पाइप भी टूट गया था उस साइड के वो करवा दिए, और थोड़ा बहुत क्या है यहाँ कोनी लगाना था ये बम्फर की, यहाँ पर भी टूट गया था ये कोनी लगा दी, यहाँ पर भी झकास हो गया, बाकी ऊपर भी वेल्डिंग हो चुका है वो देख सकते हो दोनों साइड में, उस साइड में भी हो गया। सत्यम भैया और कृष्णा भैया बैठे गाड़ी में, आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे ना भैया क्यों बोलते बेटे को, तो बस ऐसे ही प्यार से बोलते भैया करके, छोटे भैया है ना इसीलिए। यहाँ पे भी हो गया भाई देख सकते हो वेल्डिंग, ये देख सकते हो यहाँ पे भी हो गया, और वेल्डिंग वेल्डिंग वाले के अपने हो गए भाई 700 रुपये हो गए, और जो पार्सल डाला ना एक कमानी का पत्ता मोटा वाला डाला हमने, R460 टर्बो 3 नंबर पत्ता डाला, उसके 1200 रुपये, एक पत्ता बढ़ाया ना पीछे लिए थे 40 रुपये इसके हो गए 1250, ये हो गए, और 700 रुपये वो हो गए करके 1840 रुपये हो गए, मतलब मोटा मोटा 2000 रुपये आज लग चुके हैं और अपने को है ना। तो फिर भी अभी इस साइड में है ना गाड़ी थोड़ी झुकी हुई है ही,
वो बोल रहे थे, बोले कि इस साइड में है ना थोड़े नरम पत्ते हैं और उस साइड में थोड़े हार्ड पत्ते हैं, और जो नए नए पत्ते डाले हैं ना वो उस साइड में है, इधर पुराने पुराने पत्ते हैं। इसी चक्कर में अभी 2-4-5 ट्रिप चलाएंगे तो गाड़ी लेवल में आ जाएगी बोल रहे थे। बाकी आगे का दम भी ख़त्म हुआ है गाड़ी का, अपने देखो पूरी गाड़ी आगे से बैठी हुई, इधर भी निकल ही रहे थे दोस्तों, लेकिन अपने बल्ली भाई और अपने एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए थे यहाँ पे। तो बल्ली भाई की गाड़ी ये रही 14 चक्का। बल्ली भैया यारे, और बल्ली भैया क्या हाल है? ठीक हो ना? ठीक है। और ये अपने सब्सक्राइबर भाई है, कहाँ से हो भाई? खड़ी खाम से। भाई कौन सी गाड़ी अपनी? 0337। काम हो रहा गाड़ी का? इधर काम हो रहा भाई की गाड़ी का। चलो चाय पीने चलते है, चाय पीने चलते है। बस निकल ही रहे थे और भाई मिल गए थे। बल्ली भाई तो पहले से आ रखे थे और भाई भी आ रखे थे, लेकिन क्या मैं निकल ही रहा था तो भाई को मेरे की आवाज मारी, चलो चाय भाई पी लेते हैं करके। बल्ली भाई की गाड़ी हो रही, बल्ली भाई के साथ में हेल्पर है, हेल्पर है, ड्राइवर है, हेल्पर ही है, वो भाई भी आ रहे हैं पीछे। चलो भाई आगे चाय माय पी के निकलते हैं। चेंदवा शहर में रुका था, थोड़ा सा आगे दबाया था, इधर आम और नारियल वाला था, उधर भाई पीछे दो नारियल ले लिए मैंने दादी के लिए, और आम ले लिए हमारे कृष्णा भैया और सत्यम भैया के लिए। चलो चले, अब चलो भाई निकलते हैं।